अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख्वातीन हज़रात, भाई आज सारा मेन्यू मंगवाया है, ये थोड़ा पिज़्ज़ा डिफरेंट है। मैं बता दूं, फूड आपसे ये सारा मेन्यू मंगवाया है। ये पिज़्ज़ा जो है ये पहली बार ट्राई कर रहे हैं हम, ये है लज़ानिया फ्लेवर में। उसे भाई लज़ानिया फ्लेवर में पिज़्ज़ा है, और बाकी ये चिकन डोनट्स रखे हुए हैं, ये हमने थंबनेल के लिए वकास भाई ने ज़ाय कर दिए, ये थंबनेल के लिए ज़ाय क्यों किया, अभी खा लेंगे। तो ये चिकन डोनट्स है, और यहाँ हमारे पास शशका जिंगर रखा हुआ है, और यहाँ हॉट विंग्स हैं इसके आसपास। यहाँ मेरे पास है शायद ये जिंगर रोल है, और ये कबाब रोल है, और यहाँ उसैब भाई के सामने जो रखा हुआ है ये बर्गर, नवाबी बर्गर है। बाकी ये उसैब भाई अल फरीद पास्ता है, अल फरीद बस वाला अल्फ्रेडो पास्ता है, और यहाँ मेरे पास लोडेड फ्राइज हैं। अच्छा, ये शशका बर्गर, बाकी ये अपना डिप सॉस नीचे रखे हुए हैं साहब भाई का भी और मेरा भी। ये शशका बर्गर है, ये कैसा नाम है, शशका जिंगर है, ये शशके मार रहा है। हाँ, ये शशके मार रहा है। तो चलें शुरू करते हैं बगैर किसी इंतजार के। साहब भाई आज ठंडी कॉमेडी ना करें, आज ठंडी करते हैं थोड़ा, एसी लो पर है इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नगेट्स है भाई, नगेट्स अपने जैसे हम दो खाते हैं ना भाई, इसका कभी आपने ट्राई किया है वकास भी, आप क्यों नहीं करते ट्राई? इनका चिकन डोना मुझे अच्छा लगता है, सारे फूड आपका। चलें हम भी देख लेते हैं। ये भाई दो, ये दो आप क्यों नहीं ट्राई करते मुझे ये बताएं। मैं कर रहा हूँ बस। भाई मजा ही और आ जाता है। साहब ले आपकी बात पर ये दो ट्राई कर लेते हैं हम। दो ये भाई, ये फिर दोबारा मैं खाऊंगा। मैं चलता हूँ जिंगर रोल पर। कैसे कहते हो साहब? ये है भाई जिंगर रोल। ओए हाँ भाई, ये तो मज़ेदार लग रहा है मुझे। आपने जिंगर रोल उठाया, मैं उठाऊंगा अपना कबाब रोल है। आपने कबाब रोल भाई, ओए हाँ है। इसमें हल्की हल्की महक है उसे भाई, किस चीज़ की? कुछ बासी जी, बासी होती नहीं है महक, उसी तरह की है। पता नहीं आप, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा। ये आप भी ट्राई करके देखिएगा। इसमें से नहीं आ रही मुझे, ये अच्छा लग रहा है मुझे। उसी में से आई है मुझे भाई, जो हमारे नगेट्स रखे हुए थे नीचे। कभी ये ट्राई करें, ये अच्छा लग रहा है मुझे। ये कबाब रोल था, इसमें से वकास भाई को आ रही थी महक, तो ट्राई करते हैं भाई। हाँ ये ठीक है, अरे कभी मुझे महक नहीं आ रही। ये ठीक लग रहा है, महक के साथ हमारा पंगा रहता है। जब आपको आती है मुझे नहीं आती, जब मुझे आती है आपको नहीं आती, पता नहीं क्या वजह है। अमेजिंग एलियन हॉट विंग। वो कभी कहाँ पर जाऊँ मुझे, मैं चलता हूँ अपना नवाबी विंग्स तो कमाल में है। ओए मैंने विंग्स तो ट्राई नहीं किया, अच्छा मैं फिर ट्राई कर लूँगा। अभी मैं नवाबी बर्गर ट्राई करता हूँ भाई। ओए होए भाई, विंग्स का तब मुझे मजा आता है जब पूरी हड्डी चूस लूं साहब भाई, वो इसलिए कि अच्छा होता है भाई। ये कमाल का है कहा भाई, नवाबी बर्गर है ये, इनका फेमस बर्गर है साहब भाई, फूड आपका भाई। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है, इसके अंदर अपना कबाब भी है और जिंगर भी है, अपना चीज क्या स्लाइस भी है, कमाल।
मैं जा रहा हूँ भाई पिज्जा पर, आना भी लज़ानिया पिज्जा। चेहरा कलेजा लगा भाई के लिए, ले जा भाई। सभी इसमें लज़ानिया जैसा तो मुझे कोई फील नहीं आ रही। चेक करते वही, नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं रखा हुआ। पिज्जा तो सही है, आपको क्या लग रहा है? नॉर्मल पिज्जा का भी जैसा होता है वैसा ही है। लज़ानिया यानी लज़ानिया का कुछ नहीं है। हाँ उसका टेस्ट नहीं आ रहा लज़ानिया का। थोड़ा हल्का हल्का महसूस होता है, हल्का हल्का। मुझे तो अभी तक वो भी नहीं हुआ वो काबिल। भैया विंग्स मेरे मतलब क्या है भाई? आज भाई हम भी विंग्स ट्राई करते हैं। और क्या वक़्त है इसको एक ही साथ उतारना है? ये कहाँ उतरता है आपसे एक साथ? बाबा जब आप ना मास्टर हैं। अच्छा जी मैं आ जाता हूँ उसैब भाई वाले बर्गर पर, नवाबी बर्गर जो उसैब भाई को अच्छा लग रहा था। कमाल भाई, कहाँ पर जाऊँ मैं? ये मेरे पास ये मेरे पास लोडेड लोडेड फ्राइज है। जिंगर और कबाब का अलग कॉम्बो है इसमें। बिल्कुल भाई, ये पता नहीं कबाब है या लोडेड फ्राइज है, ये समझ नहीं लग रही क्योंकि ऊपर पूरे लोडेड हुआ है दोनों। उसे भाई नवाबी थोड़ा छोटा हो गया है, पहले बड़ा होता था, पहले बड़ा था जब मुझे याद नहीं है वकाल भाई, मुझे याद है। अच्छा भाई ये अल्फ्रेडो पास्ता है, मैंने इसको लोडेड फ्राइज समझा हुआ था। ये है मेरे पास है लोडेड फ्राइज भाई। ये दोनों सेम शक्ल के लग रहे थे ऊपर तो, चलो ऊपर से सॉस सेम शक्ल का है। अच्छा है वकाबी लोडेड फ्राइज, ये भी अच्छा है वकाबी अल्फ्रेडो पास्ता। आज स्विच करें वकाबी। सिर्फ ऊपर से लोडेड है, नीचे से तो खाली खाली है, चेक तो करें। नीचे से जैसे नॉर्मल फ्राइज होता है वैसे। ये तो अच्छा है भाई, ये अच्छा है भाई, बात आराम से होगा भाई। ट्रेन निकली जा रही है क्या आपकी? नहीं वो मैं दो का कॉम्बो यूज कर रहा था ना, इधर से पास्ता और उधर से डोनट। पास्ता तो अच्छा है साबे। कमाल है ये, वैसे ऊपर से खाओ तो कमाल है, नीचे से नॉर्मल फ्राइज की तरह खा रहा हूँ मैं इनको। उस पिज्जे पर दोबारा आ जाता हूँ मैं, और इसके मैं साथ मैं एक कॉम्बो यूज करने वाला हूँ। ये मेरा ये रह गया है भाई। कौन सा कॉम्बो वकास भी आप यूज करने वाले हैं? साथ में बर्गर खाते हैं क्या? साथ में मैं खाऊंगा जिंगर। ये कैसा कॉम्बो है वकास?
इसमें थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ रहा है काफी मिर्च डालने का, थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। आपने ये चेक किया है, ये देखो अंदर इसके सॉस है, उधर तो दिखा है, इधर दिखा रहे हैं मुझे। ये भाई जो स्टाफ रो होता है ना लास्ट वाला, इसमें सभी पिज्जे से पेट भर गया मेरा, अब बर्गर पकाते हैं। कभी और थी ना, और नहीं और है, अब ये पी लें, मैं डाइट पर हूँ ना, ये आधा ये दो गिलास तो आप पी गए, इतना बड़ा जो है ये ना कर यार, ये क्या कह दिया। तो चलें जी, ये जो शशका जिंगर है ना, इसमें नवाबी में और इसमें मुझे लगता है बस एक फ़र्क है कि उसमें कबाब थे, इसमें पैटी है। अच्छा चलें। ओ भाई ये एक विंग नीचे थोड़ा सा गिर गया था, वो वही खा जाए। ये भी सही है। पता नहीं क्यों बर्गर से ज़्यादा मुझे जिंगर को ऐसे खाने में मज़ा आता है। इनके बर्गर वगैरह भी अच्छे थे, ये वाला का पता नहीं है, वो वाला मज़ा आता है। ये ना टेस्ट कर दूँ, इधर दिखा दूँ। कैसे लगा? अच्छा होगा, इन वो ज़्यादा अच्छा था। तो जी इंशाल्लाह आप लोगों को मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।